जरूर। तात्या। हाँ, कौन जमदाड़े? हाँ। मैंने तो नहीं बुलाया, अभी हजामत की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो काशीबाई के काम से यहाँ आया था। वो विधवा आपके यहाँ जो रहती है, उसका क्या काम? तो उसका सिर मुड़ने आया है? हाँ, उसने ही तो संदेशा भेजा था। तूने हिम्मत कैसी की? तू नहीं जानता क्या कि मैं विधवा के केशवपन के खिलाफ हूं? हम केशवपन के खिलाफ आंदोलन चला रहे, और तू उसकी हजामत करने आया है यहां मेरे ही घर में? नहीं नहीं, नाराज मत होना तात्या। वैसे तो खुद मुझे ये काम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूं, उसने जो मुझे बुलवाया। मैं तुम पर नाराज नहीं हूं जमदाड़े, तुम्हारा भी क्या दोष। मगर तुमको अगर ये काम अच्छा नहीं लगता तो तुम और तुम्हारी जमात विधवा का केशवपन करने से साफ इनकार क्यों नहीं कर देते? ब्राह्मणों से कह दो कि अगर वो इस जंगली रिवाज को जारी रखना चाहते हैं तो उस तरह अपने हाथ में ले और अपनी विधवाओं का सिर मुंडे। असल में तुम लोगों को कहना चाहिए कि जब तक ब्राह्मण लोग इस भयानक रूढ़ी को खत्म नहीं करते ना, तब तक तुम लोग उनकी दाढ़ी मूछे नहीं बनाओगे। आपकी बात बिल्कुल सही है तात्या, जरा हिम्मत से काम लो तभी ये बंद होगा। हाँ, यही एक रास्ता है। सन 1873 दलित आंदोलन का एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इसी वर्ष ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी प्रकाशित की। पुस्तक की सामग्री ने सनातनी ब्राह्मणों में बेहद रोष पैदा किया। ज्योतिराव, तुमने इतना बड़ा निवाला मुंह में रखा है कि न तुम चबा सकते हो न निकल सकते हो। वो मैं देख लूंगा। इस बार क्या तमाशा खड़ा किया है हेरम शास्त्री? ये पुस्तक, ये तुमने कैसे जुर्रत की कहने की कि मनु ने शूद्रों पर गुलाबी ला दी? जाति प्रथा तो वेद की आज्ञा से पैदा हुई। अब ये क्या तुम्हारा दावा है कि वेदों को भगवान ने नहीं लिखा? मेरा पक्का विश्वास है हेरम शास्त्री कि संसार की कोई भी पुस्तक भगवान या किसी देवता ने नहीं लिखी है। अगर कुछ लोगों को यह मानने में परम आनंद होता है कि वेदों का निर्माण ईश्वर ने किया है तो वो खुशी से अपना भ्रम पाला करें, लेकिन शूद्रों और अतिशूद्रों को इस भ्रम से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक कहलाने वाले ग्रंथ ही उन्हें गुलामी में जकड़ते हैं। ज्योतिराव, तुम लोगों को ब्राह्मणों से नफरत करना सिखा रहे हो। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों को मैं अपना भाई मानता हूं और इसीलिए उनके काले कारनामों पर शर्मिंदा हूं। ब्राह्मणों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा सारा संघर्ष ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। हेरम शास्त्री, आप जितने जल्दी समझेंगे कि शूद्र जन ही इस देश की जीवन शक्ति है उतना ही अच्छा। अब तुम्ही से सलाह लेना बाकी बचा था। देखो ज्योतिराव, हम बता देते हैं, ऐसी उल जलूल और गाली गलौज वाली किताबों से तुम समाज की सेवा नहीं कर सकते, समझे? ना भी कर सकते हैं शास्त्री जी, ये कहकर कि वेद और पुराण देवताओं के मुख से कड़े है, न ये फतवा देकर कि फुले ने उलझलूल और गाली गलोच वाली किताब छपाई है, न ये कहकर कि बकौल विष्णु शास्त्री चिपलून करके फुले पहले मराठी का व्याकरण सीखे और बाद में लिखने की सोचे। आप विद्वान कहलाने वालों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसने मेरे उठाए सवालों का जवाब दिया हो। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये दो कौड़ी का बड़प्पन जता रहे हैं। ऊना शहर विद्वानों की नगरी कहलाती थी, आप जैसे के रहते वो शान भी जाती रही। हेरम शास्त्री, आप हमारे साथ न चलकर देश को डुबो रहे हो। समाज परिवर्तन के माहौल को अभी आप रोक नहीं पाएंगे, और अगर रोकने की कोशिश की तो समाज आपको निगल जाएगा पूरा के पूरा, फिर चाहे पानी पीकर कोसते रहना, कोई मुड़कर भी नहीं देखेगा। गुलामगिरी पुस्तक की सफलता से उत्साहित होकर ज्योतिबा फुले ने सन 1873 में सत्यशोधक समाज की नींव डाली।